आर्टिस्ट फ्रंटियर, आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सनलियर के राफेल, जिसे कि आप राफेल भी बोल सकते हो, मैं राफेल बोलता हूँ। तो आज राफेल को, हम लड़ाकू विमान को अनबॉक्स करेंगे, और ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वाटर कलर ब्रश है, फ्लैट ब्रश, बड़े वॉशिस के लिए। तो मैं काफ़ी एडमायर करता हूँ ये प्रीमियम क्वालिटी के ब्रश जो वाटर कलर के लिए होते हैं। तो थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, आपको बता दूं मैं, क्रिएटिव हैंड द्वारा सेल किया गया है, और आज ही अभी मेरे पास पहुंचा है जस्ट, और मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। इसके बारे में आपको इसकी क्वालिटी बताऊंगा, इसकी परफॉर्मेंस बताऊंगा, इसका प्राइस बताऊंगा कितने का है, ठीक है। चलिए आइए अनबॉक्सिंग करते हैं पहले तो इसकी। ये वो ब्रश है। इसको खोलने से पहले मैं आपको इसकी कीमत भी बता देता हूं, ये है 1000 रुपीज का ब्रश, 1 रुपया कम उससे, 1000 से 1 रुपया कम, मतलब 999 इंडियन रुपीज। तो सस्पेंस को क्रिएट करते हुए पहले मैं पीछे से ही दिखा देता हूं आपको, इसकी सारी डिटेल्स आपको दिखा देता हूं। ये है सॉफ्ट एक्वा राफेल, मैं इसको बोलता हूं, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन और क्या हो सकती है, राफेल हो सकती है। तो राफेल है ये मेरे लड़ाकू विमान, और इसके ऊपर और कोई इसके बारे में डिटेल नहीं है लिखी हुई। चलिए देखते हैं आगे से। ये है ये ब्रश सॉफ्ट एक्वा का, यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई है इसकी। ये 1.5 इंच का ब्रश है, ठीक है, और एक्वेरल वाटर कलर इंक, 296 इसका जो है मॉडल नंबर है, 40 mm, अगर इंचज में देखेंगे तो 1.5 mm का है, और वैसे जो mm में देखेंगे तो 40 mm का है। इसकी जो मुझे अच्छी बात नहीं लगती वो ये है कि इनके ऊपर MRP मेंशन नहीं है, है कहीं पर नहीं, इनके ऊपर कहीं भी MRP मेंशन नहीं है, तो हमें जो ब्रश सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है या उस प्राइस में मिल रहा है जिसमें मिलना चाहिए, ये हम नहीं बता सकते। तो जो भी वेबसाइट के ऊपर प्राइस था उसके हिसाब से हम ये बाय कर रहे हैं। मैंने पहले भी एक क्रिएटिव हैंड का ब्रश मंगवाया था, उसमें भी MRP मेंशन नहीं था। ये वो ब्रश है, देखिए कितनी प्रीमियम क्वालिटी है, पैकिंग अच्छी है, नो डाउट पैकिंग अच्छी है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बड़ी अच्छी लग रही है। अभी मैं इसे खोलकर देखने वाला हूं, तो शायद रिटर्न करने का ऑप्शन मैं पहले ही रखता हूं, तो उसी हिसाब से मैं इसे अनबॉक्स कर रहा हूं, ताकि अगर मुझे रिटर्न करना पड़े तो कोई दिक्कत मुझे ना आए। ये लीजिए, ये रहा ब्रश, अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। इसे आगे थोड़ा सा इसमें गम लगा हुआ है ताकि इसके जो ब्रिसल हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में ख़राब ना हो, तो आपके पास जो है ब्रश जो है वो जिसके ब्रिसल हैं बिल्कुल सेफ पहुंचेंगे। देखिए मैं इसे हिला भी रहा हूँ, यहाँ से नज़दीक से आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो इसमें थोड़ा गम लगा हुआ होता है आगे, जो कि एक बार मैं वाटर से क्लीन करूँगा तो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और जो इसमें ये SS लगी है, इसकी भी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अमेजिंग जो है फील आती है। फिर ऊपर से जो इसका ये हैंडल है, ये भी वुड का बना हुआ है, और इसके ऊपर वार्निश हुई हुई है, देखिए शाइन पड़ रही है, मतलब ये रॉ वुड नहीं है, उसको ट्रीट किया गया है, उसके ऊपर ये ब्रांडिंग करने के बाद इसे ट्रीट किया गया है अच्छे से वार्निश के साथ, और पूरी फिनिशिंग आ रही है।
और पकड़ने में तो मज़ा आ गया इस ब्रश को। तो देखते हैं अब काम करने में कैसा है, और जितना महंगा ये है उतना वर्थ भी है ये या नहीं, तो वो पता लगेगा जब मैं इसके ब्रिसल पानी में भिगोकर अलग अलग करूँगा और फिर देखूँगा इसकी क्वालिटी क्या है। वाटर का बॉल ले लिया है और ये मेरा ब्रश है, अभी इसे देखते हैं। देखिए एक बार ही मैंने अभी इसे पानी में भिगोया है और इसके जो ब्रिसल है वो फ्री हो गए हैं, जो भी इसके ऊपर गम लगा हुआ था। वाह अमेजिंग, मतलब कि ये जो फीलिंग है ना ये मेरी अंदर से निकल के आ रही है। वाह इसे मैं आज ही यूज़ करने वाला हूँ, मैं इसे ट्राई करने के लिए रुक नहीं सकता। बहुत ही सॉफ्ट हेयर है, आपको जस्ट आपको बता देता हूँ अभी, और वर्किंग करके भी दिखाऊंगा इससे कि कैसा वर्क करते हैं ये। बहुत ही सॉफ्ट हेयर है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, ठीक है। और जो वाटर रिटेन करने की टेंडेंसी है वो भी बहुत अच्छी है, जो कि एक अच्छी क्वालिटी होती है एक वाटर कलर ब्रश में, कि उसका उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, हेयर जो है स्मूथ होने चाहिए। तो ये अभी तक के सारे पैरामीटर्स में 10 में से 11 नंबर हैं इस ब्रश के। और अब लास्ट जो है इस कलर अप्लाई करके देखेंगे इस ब्रश से कि कैसे कलर अप्लाई होते हैं। आइए चलिए देखते हैं।